नमस्कार दोस्तों। एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने काफिले के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था। दूर दूर तक शिकार नजर नहीं आ रहा था। वह धीरे धीरे घनघोर जंगल में प्रवेश करते गए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें एक कुछ डाकुओं के छुपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वह उसके पास पहुंचे कि पास के एक पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है, उसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देखकर राजा और उसके सैनिक दौड़कर भाग खड़े हुए। भागते भागते कोसों दूर निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर सुस्ताने के लिए उस पेड़ के पास चले गए। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे कि उस पेड़ पर बैठा तोता बोला कि आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है, अंदर आइए, पानी पी लीजिए और विश्राम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया की ओर चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम करके उनके समीप बैठ गया और अपनी सारी कहानी सुनाई और फिर धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है? साधु महात्मा धैर्य से सारी बातें सुनी और बोले कि ये कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा और उनकी ही भाषा बोलने लगा, अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ख भी विद्वान के साथ रहकर विद्वान बन जाता है, और अगर विद्वान भी मूर्ख की संगत में रहता है तो उसके अंदर में मूर्खता आ जाती है। इसलिए हमें संगति सोच समझ कर करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।